अच्छा मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की 20 रकत बड़ी बड़ी बड़े मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक से देख के नजर आती है, 20 रकतें मक्का में और मदीना में, और हाथ सीने पे शेख अब्दुलरहमान सुदैस के बंदे पे किसी को नजर, शेख सऊद शुरैम की जोर से आमीन नजर, सूरत फातिहा की तिलावत नजर, बगैर डेढ़ फुट की नियत के अल्लाह अकबर से नमाज का आगाज वो नजर, नियत कर तो नमाज की नमाज चार पर पीछे इमाम के मुंह मेरा खाना दोबारा वास्ते बात अलग, ऊपर छत नीचे फर्श इधर कोई नहीं इधर भी कोई नहीं, आगे इमाम अल्लाह अकबर। ये डेढ़ गज की जो नियत है ये कभी सुनी है शेख सुदैस ने की हो, शेख शुरैम ने की हो, कभी उन्होंने हाथ कहां बांधे हो, हाथ उनके सीने पे फातिहा की तलावत कर रहे आमीन आमीन कहते हैं तो पूरा बैतुल्लाह और मस्जिद रसूल गूंज उठती है। ये आमीन नजर नहीं आता, ये फातिहा नजर नहीं आती, ये बगैर नियत के डायरेक्ट अल्लाह अकबर से नमाज का आगाज नजर नहीं आता। वही मलंग वाली बात है, मलंग से कहा नमाज से पढ़ लिया कर, उन्होंने कहा चवड़ा कुरान च आया ला तकरबु सलात, नमाज के नेड़े भी ना जाना, नमाज के करीब भी ना जाना। उसने कहा आगे तो पढ़ो वान तुम सुकारा जब नशे में हो, को इन्ने की मान लेंगे आगे फिर देखेंगे, आपको ये 20 रकत ठीक है हमें मंजूर है, आप इंडिया पाकिस्तान में 20 रकत नमाज पढ़ाओ, पढ़ाओ वैसे जैसे शेख सुदैस और शेख शुरैम पढ़ाते हैं, मैं आपके पीछे अगर पढ़ने के लिए तैयार हूं। मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा, ये तो कोई बात नहीं, अमल इजाजत है, 20 पढ़ो 30 पढ़ो 40 पढ़ो, लेकिन सुन्नत क्या है 11 रकत। और फिर मजे की बात है, टाइम तो वही होता ना तरावियां पढ़ने का हमारे इंडिया पाकिस्तान में, तो भाई ज्यादा से ज्यादा मौलवी साहब आधा घंटा पौना घंटा घंटा ले लेते हैं। अब देखो एक बंदे ने एक घंटे में 8 पढ़नी है और एक बंदे ने एक घंटे में कितनी पढ़नी है 20 पढ़नी है। अब जिसने एक घंटे में 8 पढ़नी है उसकी आवाज कैसे होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुकून से पढ़ेगा ना, आराम से पढ़ेगा। और जिसने पता भी घंटा भी इन्ना थे वी भी पूरी करने होने, या नमून अल्लाह अकबर तालमून अल्लाह अकबर, विचकार की होया कोई शय नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होगा अल्हम्दुलिल्लाह मालिक दालीन आबिलो अलिफ लाम मीम दाइन दालम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, समझ आती दरमियान में कुरान, अरे भाई पढ़ो 20 पढ़ो लेकिन कुरान का हक तो अदा करो, शेख सुदैस के पीछे तलावी पढ़ो, दिल चाहता है वल्लाह पढ़ता रहे और हम सुनते रहे, शेख शुरैम के पीछे पढ़ो, दिल चाहता है वो कुरान पढ़ते रहे और हम सुनते रहे, और हमारे वाले 220 वोल्ट पे लगे हुए पता ही नहीं लगता की क्या और की। ये इबाद अल्लाह के हां मेयार याद कर लो, अल्लाह के हां मेयार क्वांटिटी नहीं है क्वालिटी है, क्वांटिटी अल्लाह के यहां कसरत मेयार नहीं है, वहां पर मेयार क्या है आप जो अमल कर रहे हो वो अमल कैसा है, थोड़ा और ज्यादा मेयार। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था एक बंदे ने आज अल्लाह को अल्लाह के नाम पे एक दिरहम दिया और एक ने 1,00,000 दिरहम दिया, एक दिरहम वाला लाख से जीत गया, एक दिरहम वाला कितने से जीत गया लाख से जी। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम एक ने एक दिरहम दिया एक ने लाख दिया, अल्लाह ने अजर व सवाब एक दिरहम वाले को लाख वाले से भी ज्यादा दिया क्यों, फरमा जिसने एक दिया था उसके पास कुल 2 दिरहम थे और जिसने लाख दिया था वो करोड़ों का मालिक था। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी देखी जाती है, अमल साले है या नहीं, अमल सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। आप ठका ठक ठका ठक कव्वे की ठोंगों की तरह 20 छोड़ के 100 रखते भी पढ़ लो तो जब खड़े हो गए ये नमाज आपको बद्दुआ देगी, अल्लाह तुझे हलाक करे जैसे तूने मुझे हलाक किया। इसी तरह उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वर्ज़ा ने रमजान में उबै बिन काब और हजरत तमींदारी को बाजमात 11 रकत नमाज अदा करने का करवाने का हुक्म दिया, मौता इमाम मालिक के अंदर ये रिवायत मौजूद है।